दोस्तों, आज का वीडियो स्टैटिक जीके पर आधारित है। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसलिए इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इनके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये रिपीट हुए हैं इसलिए आने का चांसेस ज़्यादा है। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आ भी रहे हैं, कई बार रिपीट हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है 1961, 1962, 1966, 1960। जी हाँ दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका जो समय काल है वो है 1961 से लेकर के 1966 तक। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती है ना, तो 61 से लेकर 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। तो इसका शुरुआत कब हुई थी, 1961 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नदियों के बारे में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है महाबलेश्वर महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र या प्रयागराज उत्तर प्रदेश। दोस्तों बता दूं आपको, गायत्री नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र महाबलेश्वर एक जगह है, वहां पर वहीं से गायत्री नदी का उद्गम हुआ है। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में, 2014 में, 15 में या 2016 में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया। आज का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है। वर्धा महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात। गुजरात से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसका सही आंसर होगा वर्धा महाराष्ट्र। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1997 में, 1997 में। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। पंचायती राज के ऊपर भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में आपसे भाग के बारे में पूछा जा रहा है, अनुच्छेद के बारे में नहीं। अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 243। ठीक है, भाग की अगर बात करेंगे भाग 9, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है। ठीक है, सेक्शन 9। आज का अगला प्रश्न, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 किसने जीता। कई बार रिपीट हो चुका है ये। दिल्ली दबंग, पटना पायरेट्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ नवाब। जी हाँ दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 से दिल्ली दबंग ने जीता है। अगर आपसे पूछे कोई कि किसको हरा, किसने जीता, तो पटना पायरेट्स को हरा के जीता। और एक चीज जान लीजिए, पटना पायरेट्स से पिछली 3 बार की विजेता टीम है ये। पिछले 3 बार की विजेता टीम को हरा करके दिल्ली दबंग ने इस बार प्रो कबड्डी लीग पर कब्जा कर लिया। आज का अगला प्रश्न, देश की पहली डिजिटल विधानसभा कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिजिटल विधानसभा। नागालैंड, मिजोरम, दिल्ली या असम। नागालैंड। जी हाँ दोस्तों, देश की पहली पेपरलेस
या डिजिटल विधानसभा कौन सी है? नागालैंड है। आज का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई या कब मनाया गया? 2019 में, 2020 में, 2018 में या 2021 में? जी हाँ दोस्तों, 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 2019 में। आज का अगला प्रश्न, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस पौधे से है? खिजड़ी से, आम से, बबूल से या किसी से नहीं? जी हाँ दोस्तों, खिजड़ी वृक्ष। कहाँ पाया जाता है ये? राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ का ये बहुत ही पवित्र पौधा है। जैसे हमारे यूपी में, बिहार में पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, वैसे ही राजस्थान में खिजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खिजड़ी का वृक्ष जहाँ पे होगा ये आशा की जाती है कि वहाँ पानी जरूर होगा, पानी का संकेत होता है ये। तो अमृता देवी बिश्नोई खिजड़ी के वृक्ष की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दी थी, ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस पौधे से है? खिजड़ी वृक्ष से है। आज का अगला प्रश्न, माजुली द्वीप किस नदी से संबंधित है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी में बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। आज का अगला प्रश्न, भारत की प्रथम स्वदेशी कोविड वैक्सीन कौन सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, चल रहा है इस समय, इसलिए अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है। स्वदेशी कोविड वैक्सीन, प्रथम, पहला, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कार्बीवैक्स या कोई नहीं? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन क्या है? भारत की प्रथम स्वदेशी कोविड वैक्सीन है। अच्छा, यहाँ पे ये बता दूं कि ये किसकी मदद से बनाया गया है? ये ICMR और भारत बायोटेक, ICMR और भारत बायोटेक का कंबाइंड ऑपरेशन था, जिसके तहत कोवैक्सीन का उत्पादन भारत में हुआ। आज का अगला प्रश्न, महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन सी हैं? झूलन गोस्वामी, पीवी सिंधु, मिताली राज या कोई नहीं? झूलन गोस्वामी। महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन सी है? झूलन गोस्वामी। मिताली राज के बारे में जान लीजिए, ये भारतीय महिला क्रिकेट की क्या है, कप्तान थी, अब नहीं है, इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए इनके बारे में, इन्होंने मैक्सिमम सबसे ज्यादा 6 विश्व कप में भाग लिया है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में, 1956 में, 1996 में या 1946 में? जी हाँ दोस्तों, 1986 में, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। बाद में इसका संशोधित रूप जो है 1918 में, 1918 में लागू किया गया, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, या उपभोक्ताओं के अधिकार का दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कंज्यूमर राइट डे, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या 22 दिसंबर? 24 दिसंबर। दिवस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन दिवस के ऊपर क्वेश्चन न पूछा जा रहा हो। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। आज का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने हरिजन समाज सेवा की शुरुआत कब की? 1932 में, 1935 में, 1945 में, 1933 में? जी हाँ दोस्तों, 1932 में, 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन समाज सेवा की स्थापना की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। जिया पारसी योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है, जिया पारसी योजना।
8 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 2 लाख? जी हाँ दोस्तों, 8 लाख। जियो पारसी योजना में 8 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। आज का अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पेशा एक्ट का संबंध किससे है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आदिवासियों से, अनुसूचित जाति से, पिछड़ा वर्ग से या सामान्य जाति से? जी हाँ दोस्तों, आदिवासी, आदिवासियों के कल्याण के लिए पेशा एक्ट पारित किया गया है। अगला प्रश्न, कवच तकनीक का संबंध किससे है? रेलगाड़ी की टक्कर, बस की टक्कर, वायुयान की टक्कर या जहाज की टक्कर? जी हाँ दोस्तों, कवच जो टेक्नोलॉजी है ये रेलगाड़ी की टक्कर को रोकने के लिए डेवलप की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर के देशों से ली गई हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है आपको उसके बारे में बताना है। आपके ऑप्शन है आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आईपीएल बहुत चर्चा में है, डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया? विराट कोहली ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, हरभजन सिंह ने या सनचर सूर्या ने? विराट कोहली 6411 अब तक 2022 तक। ठीक है, सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? विराट कोहली ने बनाया है। आज का अगला प्रश्न, एंथ्यूरियम त्योहार किससे संबंधित है? एंथ्यूरियम त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। आपको बताना है कि ये त्योहार किससे संबंधित है, फूलों का त्योहार, ऊंटों का त्योहार, भैंसों का त्योहार या फसलों का त्योहार? जी हाँ दोस्तों, ये फूलों का त्योहार है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, सिंधी भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया? 1967 में, 1968, 1969, 1970। 1967 में, 1967 के पहले सिंधी भाषा जो है आधिकारिक भाषा नहीं थी। संविधान संशोधन करके जो है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आज का अगला प्रश्न, एक स्टेशन एक उत्पाद का संबंध किससे है? रेल मंत्रालय से, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय या गृह मंत्रालय? जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किसकी है? रेल मंत्रालय की योजना है। निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है। 1969, 1970, 1950, 1956, 1969 में आपसे पूछे कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? अभी ऊपर तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हुई थी, यहां पे पूछा जा रहा है आपसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1951, 1950, 1948 या 1952? जी हाँ दोस्तों, 1951 में, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, 1951 से लेकर के 1956 तक चली। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये, खारे पानी में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? वनों के संबंधित भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, कोई वृक्ष पूछ लेगा, पानी से पूछ लेगा कि, ठीक है, या एरिया के बारे में पूछ लेगा, तो वनों से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं बार बार। तो खारे पानी में या अर्ध खारे पानी में कौन से वन पाए जाते हैं आपको उसका नाम बताना है। मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती या सुंदर वन? जी हाँ दोस्तों, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन खारे पानी में पाए जाने वाले वन को कहा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपकी जो भी सुझाव हैं, शिकायतें हैं, वो भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू।